हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक वाली मेक योरसेल्फ यूनिक। फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करना था मुझे आपसे, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा दीजिएगा, उससे उनका भी फायदा होगा आपका भी होगा। फ्रेंड्स आप सब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, टेलीग्राम पे करते हो और फेसबुक पे भी करते हो, कई जगहों पे मुझे मैसेज आते हैं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि मैसेज और मेरा काम, जैसा आप सबको पता है मैं जॉब में भी हूँ, मेरे मल्टीपल बिजनेस है, लाइक यूनिक मिल्क है, अभी यूनिक पीजी भी खुल रहा है, अपना ऑनलाइन कोर्सेस भी चलता है और उसके अलावा जॉब भी चलती है। इतना सब कुछ में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, चाहे वो ग्रुप हो या फिर इंडिविजुअल किसी को भी। कई लोगों को बातें करना होता है, बहुत अच्छी बात है यार, आप मुझे इस योग्य समझते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूछना चाहते हो कि मैं बीटेक किया हूँ या एमटेक किया हूँ, क्या करूँ आगे, इस तरीके की कई चीज़ें होती है जो आपके माइंड में रहती है। आपको समझ नहीं आता कि यार किससे पूछूं, इसका सलूशन क्या है। आप मुझे समझते हो उस लायक कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरे से पूछते हो। और मैं दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक तो मैसेज रीड भी नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, उसका रीज़न टाइमिंग का इशू होता है। तो मैंने सोचा यार कि कई लोगों को बुरा लगता होगा कि आकाश पांडे सर को मैंने मैसेज किया, यहाँ तक उन्होंने रीड नहीं किया, और रीड भी किया तो रिप्लाई नहीं किया। तो प्रॉब्लम यह होती है कि टाइपिंग में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता होगा। तो मैं बस जाता हूँ, जो भी रहता है काम वो करके वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है, होप आपको वो सोल्यूशन अच्छा लगेगा, ठीक है। फ्रेंड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि मैंने सोचा है कि अब मैं डेली, क्योंकि मैं रात में जो फ्री होता हूँ, मैं 10:30 पे टोटली फ्री होता हूँ। कितने बजे फ्री होता हूँ? 10:30 पे। सोचा कि आप लोगों की वजह से ही जो कुछ हूँ, तो क्यों ना आपके लिए भी आधा घंटा निकाला जाए। यानी मैं 10:30 से 11 o'clock का टाइम स्लॉट मैंने अपने जो भी मेरा दिनचर्या है उसमें से निकाला है रात में, 10:30 से 11। कई लोग सो जाते होंगे, सोना मत। 10:30 से 11 o'clock तक में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग एनी सॉफ्टवेयर, रिगार्डिंग योर करियर की आगे मुझे क्या करना चाहिए, तरह तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, क्योंकि ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो मैं डेली बेसिस पे 10:30 से 11 o'clock तक एक लिंक देता हूँ। गो टू मीटिंग ऐप से आपको ऑनलाइन आ जाना है, गो टू मीटिंग से आपको ऑनलाइन आ जाना है। ऐसा नहीं कि सब आ जाओगे, सब मत आना, जिसको अभी नीड है वो डेली बेसिस पे, मैं क्योंकि डेली ऑनलाइन रहूँगा, ओनली सैटरडे एंड संडे नहीं रहूँगा, ठीक है। डेली ऑनलाइन रहूँगा, ओनली सैटरडे और संडे ऑनलाइन नहीं रहूँगा। 10:30 से 11 o'clock पे आप लिंक पर क्लिक करिएगा और आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा। उसमें होगा क्या कि 4 से 5 लोग डेली आ जाएंगे या 2 लोग आ जाएंगे या 1 लोग भी आते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप आराम से अपने क्वेश्चंस पूछो और मैं भी आराम से आपको आंसर कर पाऊँ। हो सकता है आप सिविल इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कुछ आपने बनाया है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो मैं ऑनलाइन अगर रहूँगा तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को तुरंत देखूँगा और उसको बता दूंगा आपको। काफ़ी लोग सोचते हैं यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, डीमोटिवेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, आप भी टेंशन मत लेना, जो भी मेरे तरफ से सोल्यूशन हो पाएगा मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। सो आप टाइमिंग याद रख लो, 10:30 से 11 o'clock यूनिक में, 10:30 से 11 o'clock, क्योंकि मैं 10:30 तक मेरी ऑनलाइन क्लास होती है, इसके बाद हाफ आवर्स मैं आपके लिए डेडिकेट कर दूंगा, आधे घंटे आपके लिए। तो उसमें आपको आना है और गो टू मीटिंग एक ऐप है छोटा सा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, क्लिक करना है और लाइव हो जाना है। सो आपका जो व्हाट्सएप पे मैंने रिप्लाई नहीं दिया होगा या फिर टेलीग्राम पे नहीं दिया होगा, इंस्टाग्राम पे नहीं दिया होगा, वो सारे रिप्लाई यहाँ पर इजिली आपको मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से मैं भी आपसे इंडिविजुअली बात कर पाऊंगा और हम लोग एक दूसरे के सोल्यूशंस को सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ मैं सीखूंगा आपसे, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे तो जरूरी नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे पता रहेगा, ठीक है, नो वन इज गॉड। तो हो सकता है ना पता हो तो मैं आपको बोलूँ कि यार आप कल आना और कल मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ सर्च करके, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा प्लस आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है रिगार्डिंग कैरियर की, आपको क्या पूछना है, क्या करना है, कैसे लाइसेंस बनवाना है, जो भी तरह तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं और आपको सोल्यूशन देने के लिए कोई नहीं तैयार होता है, तो उसका जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको भरोसा दिलाता हूँ
कोशिश करूंगा कि 100% आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूं रिगार्डिंग करियर मोटिवेशन से लेके आपको जिस भी चीज़ की नीड होगी मेरे तरफ से सपोर्टेड होगा वो पूरी तरीके से। तो मैं आपसे आपका वेट करूंगा आज से ही 10:30 पर गो टू मीटिंग ऐप में। फिर से मैं रिप्लाई करना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि सब लोग आओ, क्योंकि सब लोग को वैसे भी उसमें 250 लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सबको नहीं आना है। दो लोग भी आओगे, तीन लोग भी आओगे, दैट इज ओके, जिसको रियल में अभी नीड है, क्योंकि डेली है ये लिंक, तो जरूरी नहीं कि आज ही सबको आ जाना है, कल आ जाना, परसों आ जाना, उसके आगे आ जाना, आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन होगा आपका आप लिख के रखना, उस टाइम पर याद करोगे तो आपको क्वेश्चन याद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास भी 30 मिनट होगा और आपके पास भी 30 मिनट, तो क्वेश्चन लिख के रखेंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इंटरनेट आपका अच्छा रहेगा तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने वीडियो के थ्रू ही रहूँगा, तो आप फेस टू फेस मेरे से बात कर पाओगे, हमारी हम भी आपको समझ पाएंगे, आपके भी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। इसमें एक फायदा और होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे से मिल सकते हैं डेली बेसिस पे, मतलब जब भी उनका मन करेगा, उनके भी कुछ उन्होंने पढ़ा है या कुछ उन्होंने किया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है, जो भी डाउट रहेंगे वो आके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं 10:30 पे, और हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं अपने जो भी व्यूज रहेंगे रिलेटेड टू कॉलम ओरिएंटेशन हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो आपका मैं वेट करूंगा 10:30 पर, मैं बार बार 9:30 बोल रहा हूँ, बट 10:30 है, सॉरी 10:30 से 11 o'clock में आपका वेट करूंगा। आइएगा, सैटरडे संडे को मत लिंक ट्राई करिएगा, क्योंकि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, डेफिनेटली सबको रिलैक्स चाहिए होता है, तो सैटरडे संडे मेरा रिलैक्स रहेगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आप कम्युनिटी टैब पे जाके डेली क्वेश्चंस भी टाइप करके रख सकते हो, सो दैट कि मुझे भी आइडिया लग जाए कि आप आने वाले हो, आपको ये क्वेश्चन पूछने वाले हो, तो अच्छा रहेगा कि आप बता दो कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी टैब पे लिख दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यही शेयर करना था, क्यों, क्योंकि कल 4 लोगों को मेरे से बात करनी थी, सॉरी गाइज, मैं आपको बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा, रीज़न ये है कि मैं फ्री ही नहीं हो पाया, मैं रात में लगभग 10:30 पे फ्री हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी थी, उसके बाद फिर सो गया, और फिर इस तरीके से प्रॉब्लम आपके भी साथ आती होगी, फिर मेरे को भी देखना होता है कि मेरे बिजनेस में कहाँ क्या हो रहा है, सबसे इंक्वायरी करनी पड़ती, भाई तुमने कितना सप्लाई किया, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा हिसाब भी इसी पार्ट टाइम में करना पड़ता है। तो मैं अपने टाइम को एक एक मिनट यूटिलाइज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यूटिलाइज करो, आप भी सीख पाओगे इस चीज़ को। सो आइए 10:30 पर बात करते हैं आपसे, और आपका भाई जो भी आंसर कर पाएगा, ठीक है, आप में से जो जिसको भी, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो चाहे फिर कोई जॉब में हो, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, आइए मिलकर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ, और साथ ही साथ अच्छी चीज़ ये होगी कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको भी मैं इंटरनेट पे किसी न किसी चैनल पे डाल दूंगा, सो दैट कि आपको मिलता रहेगा, आपका जो भी डाउट का मैंने आंसर बताया, सपोज कुछ क्वेश्चंस आपने पूछा मैंने आंसर बताया, आप जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाए, तो उसका वीडियो भी मैं बना रहेगा, जो कि चाहे तो मैं अपने आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पर डाल दूंगा उसको, तो आपको जब मन करे वहां पर जाके आप देख लेना अपने वीडियो, जो भी आपके आंसर्स रहेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप अच्छा लगा होगा, मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा इसके लिए जरूर अपनी राय देना, क्यों राय देना, क्योंकि आप राय, क्योंकि आपका ही यदि किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया ये, तो मैंने इसमें थोड़ा सा एड्स ऑन कर दिया, मैंने कहा डेली मैं आ जाता हूँ, उसने बोला सर हफ्ते में एक दिन, मैंने कहा यार एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे सही तरीके से बातें नहीं हो पाएंगी, मैं तो चाहता हूँ 2 से 3 लोग रहें बस, प्रॉपर उनके क्वेश्चंस को सुना जाए, उनको आंसर किया जाए, और एक लोग भी रहेंगे तो और अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा और उसके बाद हम बातें करेंगे, फिर आगे देखते हैं, जैसा भी आपको लगेगा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, चाहे तो यहाँ पर, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, जहाँ पर भी आपका मन करे आप शेयर करना। मिलते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा इनिशिएटिव। तो इसके लिए हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, लिंक शेयर नहीं होता आपसे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792621121, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर मेरा नंबर सेव करके रखो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, तो उससे भी आप ऑनलाइन आ सकते हो, बाकी यहाँ पे यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ से भी आ सकते हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, जो आप ग्रुप में या फिर जहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे थे, आइए बात करते हैं, प्रॉपर डिस्कस करते हैं, फुल आंसर्स करेंगे उसका, डोंट वरी, मजा आएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।